नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदर की बात और आपके साथ मैं हूं ध्वनि। राजकोट स्थित आत्मी यूनिवर्सिटी में 33 करोड़ रुपए के घोटाले में स्वामी नारायण संप्रदाय के संत त्याग वल्लभ स्वामी की मुश्किलें बढ़ती देख रही है। क्या है 33 करोड़ रुपए का घोटाला, कौभांड क्या है, त्याग वल्लभ स्वामी पर आरोप, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। स्वामीनारायण संप्रदाय के संत त्याग वल्लभ स्वामी पर 32.26 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। हरिधाम सोखड़ा से जुड़े त्याग वल्लभ स्वामी पर आरोप है कि उन्होंने 20 बैंक खातों के जरिए इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। यह पूरा घोटाला राजकोट स्थित आत्मी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। पुलिस के अनुसार स्वामी में करोड़ रूपए का घोटाला करने के बाद वह फरार हो गए है। इस मामले में कुल 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। राजकोट पुलिस के अनुसार त्याग वल्लभ स्वामी की खोजबीन की जा रही है। कई दशक पहले स्वामी नारायण संप्रदाय के अहम संत रहे हरिप्रसाद स्वामी अलग हो गए थे और उन्होंने हरिधाम सोखड़ा की स्थापना की। त्याग वल्लभ स्वामी हरिधाम से सोखड़ा से जुड़े हुए हैं। जांच में पता चला कि त्याग वल्लभ स्वामी ने सत्संग के नाम पर 20 बैंक खाते खोले थे, साध्वी के नाम पर 9 खाते होने का संदेह है। ये भी सामने आया है कि त्याग वल्लभ स्वामी ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। इस पर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वैगनर ने बुरे वक्त में रूस को धोखा दिया है। सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही है। जल्द ही रूस को मिलेगा नया राष्ट्रपति। बागी हुए वैगनर ग्रुप का ये दावा है। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। एक समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास लोगों में शुमार होने वाले येवगेनी प्रिगोजिन ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की धमकी दी है, जिसके जवाब में पुतिन ने वैगनर ग्रुप को कुचलने की बात कही। पुतिन के इस बयान पर प्रिगोजिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान गलत विकल्प चुना और देश को जल्द ही एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। गौरतलब है कि येवगेनी प्रिगोजिन के नेतृत्व में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने 2 रूसी शहरों पर नियंत्रण का दावा किया है। इसके साथ ही वैगनर समूह ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने 3 रूसी हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद राष्ट्र के नाम एक संशोधन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वैगनर ने बुरे वक्त में रूस को धोखा दिया है और सेना को चुनौती दी है। सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रिगोजिन ने रूस के साथ विश्वासघात किया है। ये हमारे लोगों के पीठ पर हमला जैसा है। उसने निजी हितों के कारण पीठ में छुरा भोंका है। उन्होंने कहा कि रूस अपने भविष्य के लिए पूरी ताकत से लड़ रहा है। हमारा जवाब और भी कठोर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर शुक्रवार को विपक्षी दलों की एकता को लेकर बुलाई गई महाबैठक मिली। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री के आवास पर शुक्रवार को हुई यह बैठक करीब 4 घंटे तक चली। विपक्षी एकता की यह बैठक में कांग्रेस को कितनी सीटों का दिया गया है लक्ष्य, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। पटना में भी बीजेपी मोर्चा बनाने के लिए जुटे 15 दलों ने इस बात पर चर्चा की कि लोकसभा में 272 सीटों का आंकड़ा कैसे पार किया जाए। सूत्रों का दावा है कि ज्यादातर नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को किसी भी तरह 130 सीटों का आंकड़ा पार करना होगा। लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है, एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। शरद पवार और नीतीश सहित नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सलाह दी है कि वे एक रणनीति बनाए कि कांग्रेस 130 सीटों का आंकड़ा कैसे पार कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस के पास 53 सीटें हैं, इसीलिए उसे 73 सीटें और जीतनी होगी। इसके अलावा राजद को कम से कम 15 सीटें जीतने की उम्मीद है, जबकि CPIM के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा को भी कम से कम 15 सीटें जीतने की उम्मीद है।
वाम मोर्चा का जोर बंगाल केरल में नहीं बल्कि अन्य जगहों पर सीटों जीतने पर है। विपक्षी एकता सभा में मौजूद सभी दलों के पास 153 लोकसभा सीटें हैं, जबकि अकेले बीजेपी के पास 303 सीटें हैं। विपक्षी एकता बैठक में हर सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक प्रत्याशी उतारा जाए, भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का एक नाम तय किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जब प्रेस के सामने आए तो उनका वही पुराना देसी अंदाज फिर से नजर आया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने राहुल गांधी की शादी तक की बात कह डाली। राहुल गांधी की शादी की बात तो लेकर लालू प्रसाद ने क्या कहा और कैसे मजे लिए, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। तमाम विवादों के बावजूद लालू प्रसाद यादव अगर आज भी लोकप्रिय है तो उसका एक ही कारण है और वो है उनके बोलने का अंदाज। लालू यादव के बोलने का ठेठ देसी अंदाज ही है जो न सिर्फ पुरानी पीढ़ी बल्कि नई पीढ़ी को भी पसंद आता है। तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बिकता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराते चले और शादी करिए। लालू प्रसाद ने कहा, आप तो हम लोगों का सलाह मानते नहीं, नहीं किया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय ज्यादा बिता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बारात में चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती है कैसे भूल गए, पक्का करना पड़ेगा, मम्मी आपकी बोलती थी कि हमारी बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। 75 बरस के हो चुके लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को जब मीडिया के सामने आए तो उनका वही अंदाज दिखा जो सालों पहले दिखता था। लालू यादव शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए थे और इसी बैठक के बाद विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लालू यादव ने करीब 8 मिनट बोला। ब्यूरो रिपोर्ट। मंत्रालय के मुताबिक टीओडी टैरिफ 10 किलोवाट और उससे अधिक की अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2024 से और कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। क्या यह योजना से आम लोगों का होगा फायदा या सिर्फ चुनावी माहौल में आप और कांग्रेस के सामने होगी बीजेपी की सिर्फ घोषणा, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। जहां बीजेपी विरोधी पार्टियां मुफ्त बिजली पर दांव लगा रही है वहीं उनका मुकाबला करने के लिए अब केंद्र सरकार ने सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली टैरिफ नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए टैरिफ के तहत दिन के दौरान बिजली दरें 20% कम और रात में 20% अधिक होगी। आधिकारिक तौर पर नए बिजली टैरिफ नियमों का उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। दरअसल मुफ्त बिजली देकर मतदाताओं को आकर्षित करने वाली कांग्रेस और आप जैसी पार्टियों के खिलाफ खड़े होने के लिए यह फैसला लिया गया है। केंद्र की योजना से सभी वर्गों को लाभ होता है जबकि अन्य दलों से केवल गरीबों को ही लाभ होता है, इसीलिए भाजपा को फायदा होगा। देश में नई बिजली दरें अप्रैल 2024 से लागू करने की योजना है। नई बिजली दरें सबसे पहले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू की जाएंगी, इसके बाद इसे कृषि के अलावा अन्य ग्राहकों के लिए भी लागू किया जाएगा। बिजली की ये नई दरें स्मार्ट मीटर वाले ग्राहकों पर तुरंत लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जी बात करें छत्तीसगढ़ की राजनीति की तो राजनीतिक घटनाओं में इस बात की चर्चा है कि उषा बाले को भाजपा विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे में उन्हें अहिवारा या फिर पाटन से टिकट दिया जा सकता है। पाटन फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले से मुलाकात की। दुर्ग पहुंचते ही गृहमंत्री शाह सबसे पहले पद्मश्री गायिका से मिलने उनके सेक्टर 1 स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। वहां पर दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान माना जा रहा है कि उषा बारले को पाटन विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत छत्तीसगढ़ से दुर्ग दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पद्मश्री पंडवानी गायिका उषा बारले से मुलाकात। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि भाजपा
उन्हें विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बना सकती है। ऐसे में उन्हें अहिवारा या फिर पाटन से टिकट दिया जा सकता है। पाटन फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है। बताया जा रहा है कि पद्मश्री लेने के दौरान उन्हें बातचीत करने के तरीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रभावित किया था। उषा वाले ने बताया कि जब वो पद्मश्री लेने दिल्ली गई थी तो वहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ खाना खाया था। उसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट।